नमस्ते, एक वार्म वेलकम आप सबको। आजकल का सुबह का मौसम ठंडा ठंडा ही है, तो वार्म वेलकम तो बनता है। सुबह पार्क आई थी, यहाँ का जो नज़ारा देखा बहुत अच्छा लगा। बच्चे फोटोशूट कर रहे हैं, कुछ बच्चे आपस में खेल रहे हैं। छोटू को देखो, साइकिल चलाने में मगन है एकदम। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू दी चैनल। कैसा लगा पार्क में वो व्यू? जो बहुत अच्छा लगता है ना, मैंने ये सब चीज़ बहुत इन्जॉय करती हूँ, पता है। छोटे छोटे बच्चों का ये सब खेलना, फिर ये सब छोटे छोटे चीज़ ना, जो मतलब बहुत सिंपल होता है जीवन में, वो सब चीज़ मैं बहुत ज़्यादा इन्जॉय करती हूँ। जो चीज़ हमसे ना बहुत छूट रहा है, हम इतनी तेज़ी से भाग रहे हैं, वो सब सिंपल चीज़ें हमसे बहुत तेज़ी से छूट भी रहा है, ये सब आप ध्यान रखना। और ये देखो, कल एक्चुअली मैंने वीडियो नहीं किया, कल हमारे घर में एक बहुत बड़ा काम चल रहा था। काम ये चल रहा था, कल मैंने माली को बुलाया था और माली ने मेरे घर में जितने सारे पौधे हैं, सब को देखभाल किया। फिर मैंने कुछ नए पौधे भी ऐड किए घर में, सब बाद में आपको दिखाऊंगी। ये वाला जगह जो है थोड़ा सा अभी ठीक लग रहा है, क्योंकि कभी कभी ना इन लोगों को भी केयर ज़रूरी है, मैं नहीं कर पा रही थी तो इसलिए बुलाया। और वो मेरा बहुत पुराना जान पहचान का है, तो इसलिए उसको बुलाया था। जैसे कि मैंने आपको बोला कि माली भाई को मैं पहले से ही पहचानती हूँ, वो ना कल मुझे एक बात बता के गए कि इतने सारा पौधा आप लेके आते हो नर्सरी से, फिर उसको ठीक से खाना नहीं दोगे तो कैसे चलेगा। फिर मुझे बहुत दुख हुआ। सच में हम इतनी खुशी खुशी नर्सरी जाके इतने प्यारे प्यारे खिलते हुए पौधों को लेके आते हैं, फिर उसके बाद घर में अगर ठीक से जतन नहीं करेंगे तो वो लोग मुरझा तो जाएंगे ही। कुछ कुछ गलतियाँ हमारी होती है और कुछ तो नेचर की। तो आज से मैं सोच रही हूँ पौधों का ध्यान बहुत अच्छे से रखूँगी, तो उसी को स्टार्ट किया। मेरे घर के सारे कोने में क्रिसेंथेमम को रख के देख चुकी हूँ, बस यही जगह बचा था, यहाँ पे रख के देखती हूँ ये कैसा चलता है। और मॉर्निंग वॉक पे जाने से पहले मैंने यहाँ पे डाल चढ़ाया था, बाय द वे आज है सैटरडे और आज आहनु का एग्जाम है, आज उसका फिजिक्स एग्जाम है, तो सुबह सुबह मैडम चली गई है दूसरे, मतलब पिछले स्कूल में उसका सैटरडे कोई एग्जाम नहीं रहता था, सैटरडे स्कूल भी नहीं रहता था छुट्टी, तो यहाँ पे दो सैटरडे छुट्टी है, दो सैटरडे स्कूल है महीने की, तो इस सैटरडे को उसका है एग्जाम, वो चली गई है एग्जाम देने। सो मैं भी सुबह सुबह जग गई थी, सुबह का कामकाज तो थोड़ा बहुत निपटाया है, और इधर दाल बॉईल कर लिया है, ये उड़द का दाल है, आज आहनु रानी उड़द की दाल खाएगी, ठीक है बोल के गई है, तो इसीलिए ये बनाया है मैंने। नहीं, अभी छौंक नहीं लगाया है, जस्ट बॉईल किया है, एक काम तो आगे बढ़ा के फिर जाना चाहिए, है ना, बोलो। तो चलिए अभी बाकी का कामकाज कर लेते हैं। ये बादाम खाना रह गया था, बादाम खाते हैं। आप सही बोले हो कि थोड़ा बहुत सुस्ती सी मुझे देख के ही लग रहा है, मैं भी कैमरा के सामने अपने आप को देख रही हूँ तो मुझे लग रहा है देख के कि मेरी तबीयत खराब थी। होता है वायरल के बाद ना, एक इफेक्ट तो रह जाता ही है, तो वो ही है। और मेरा तो एक दो महीना छोड़ छोड़ के हुआ था, तो इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा ही इफेक्ट किया आई गेस। तो ठीक है, चलिए कामकाज थोड़ा बहुत कर लेती हूँ और धीरे धीरे आपसे भी मिलती हूँ। अभी अभी जस्ट कुछ देर पहले अमेज़ॉन से ये वाला डिलीवरी आया है। ये तो एक बहुत प्यारा चीज़ है, बहुत ही प्यारा चीज़ है, जो आपको मैं दिखाने वाली हूँ। घर सजाने की चीज़ है और अमेजिंग है, मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी, लेकिन अभी पहले का काम कर लेते हैं। तो ठीक है, आज का कुकिंग दिखा देती हूँ। ये साग बनाया है एक मिक्स वेजिटेबल के साथ, और ये दाल है उड़द का दाल, और ये आलू परवल और सोयाबीन के साथ सब्जी है, और ये देख लो गोंदवाल लेबू, बस रेडी। एंड लंच के बाद हम लोग गए थे कुछ सामान लाने के लिए, और मार्केट में जाके देख रही हूँ अभी से फेस्टिवल की सारी तैयारियाँ हो चुकी है। मैंने यहाँ से कुछ लिया भी है, मैं आपको बाद में दिखा दूंगी मैंने क्या लिया है, या फिर फेस्टिवल के टाइम पे दिखाऊंगी। देखो कितने अच्छे अच्छे ऐसे उड़न आए हैं, अच्छा लग रहा था फूलों वाला, देखते हैं कौन सा पसंद आता है। फिर नेक्स्ट हम लोग गए थे पिज़्ज़ा हट, क्योंकि घूमते घूमते भूख लग चुकी है, तो पिज़्ज़ा हट में खाना इसलिए खा रहे हैं क्योंकि कल तो डॉटर्स डे है, तो आहनु को एक छोटू सा ट्रीट देने के लिए, उसको अच्छा लगता है, उसका एग्ज़ाम भी चल रहा है, तो सोचा थोड़ा सा ब्रेक तो उसको देना चाहिए, क्या बोलते हो आप। और आहनु ये सब बहुत पसंद करती है, देखो कितना भर भर के चिली फ्लेक्स और ओरिगैनो वो डाल रही है। ऐसे अगर पिज़्ज़ा गार्लिक ब्रेड आँखों के सामने रहेगी तो खुशबू से ही आधा पेट आपका भर जाएगा। चलो फटाफट खा लेते हैं, फिर उसके बाद घर चलेंगे क्योंकि ऑलरेडी 9 बज चुका है। अरे बाबा, कत बड़ो मूर्ति था।
लौटते वक्त बप्पा का दर्शन भी हो गया। यानी बोला था ना सुबह आज का दिन अच्छा होने वाला है। यहाँ पे मैंने लिया है पानी, पानी में डाल देंगे नमक और इसी पानी में एक एक करके ऐसे भेटकी माछेर फिले, मतलब भेटकी फिश, या फिर आप ये बासा से भी बना सकते हैं। तो इसको ना 30 मिनट्स के लिए मैं डीप करके रख दूँगी। अच्छा, और फिले बनाने के लिए ना दुकान वाले को बोलने से वो ऐसे फिले बना देते हैं और इसी फिले से हम भेटकी पातुड़ी बहुत आराम से बना सकते हैं। सो कुछ इस तरीके से डीप कर देंगे फॉर 30 मिनट्स। और दिस इज कॉल पता बनाना लीफ, कुछ इस तरीके के बनाना लीफ आप दुकान से भी ले सकते हो या फिर पेड़ से भी ऐसे काट के ले सकते हो। इसका दो प्रोसेस होता है कैसे हम इसको नरम करेंगे, तो वो मैं आपको बाद में दिखा देती हूँ। कुछ अच्छा चीज़ पाने के लिए थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट तो करना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट किसका? टाइम का और पेशेंस का। और ऐसी चीज़ जब आप घर पे बनाते हो तो अपने माइंड को प्रिपेयर करके ही रखना कि मुझे थोड़ा सा टाइम इसको देना है, बाकी कामकाज बाद में होगा, खाने की तरफ ध्यान देते हैं। तो ये बनाना लीफ जो है धीरे धीरे इसको वॉश करना है, अदरवाइज ये टूट जाता है। आफ्टर 30 मिनट्स फिश के पीसेस को कुछ इस तरीके से निकाल के एक प्लेट में रख देंगे और इसको टैप ड्राई कर लेंगे। हो सके तो ड्राई कपड़े से इसको टैप करके जस्ट पोंछ लेना है, अदरवाइज आप टिश्यू पेपर से भी कर सकते हैं। सारे फिश के पीसेस को मैंने अच्छे से ड्राई कर लिया है, इसको अच्छे से टैप करके ड्राई कर लेना है, अदरवाइज इसमें अगर थोड़ा सा भी पानी रहेगा ना तो अच्छे से मसाला नहीं बैठेगा इसके ऊपर। तो अभी इस चीज़ को मैं लेमन जूस के साथ मैरिनेट करके रख दूँगी अनदर 30 मिनट्स के लिए। थोड़ा सा नमक, बस अभी आधे घंटे के लिए इसको रख देंगे, इसे छोड़ देंगे इसको। अब पारी आती है मैरिनेशन की। यहाँ पे मैं ऐड करूँगी सरसों, खसखस और थोड़ा सा ग्रीन चिली, इसको पेस्ट कर लिया है। यहाँ पे मैंने 50 ग्राम खसखस लिया है और 50 ग्राम येलो एंड जो ब्लैक वाला मस्टर्ड आता है ना सरसों का सीड, वो एक साथ मिक्स करके 50 ग्राम लिया है। तो इसको ले लूँगी यहाँ पे, और साथ में आप अपने अकॉर्डिंग आप कितना तीखा खाना पसंद करते हो उस अकॉर्डिंग ग्रीन चिलीज ले लीजिए। यहाँ पे 3 टेबलस्पून हंकर्ड है, मैंने कर्ड को बहुत पहले ही ऐसे छलनी के ऊपर रख दिया था ताकि इसका जो एक्स्ट्रा पानी है वो झर जाए। अभी यहाँ पे ऐड कर देंगे। नेक्स्ट यहाँ पे जाएगा नमक, नमक स्वाद अनुसार दीजिए। ऐड कर देंगे हल्दी पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्ची पाउडर लिया है मैंने, बहुत अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। दही ऐड किया है तो बहुत ही अच्छे से इसको मिक्स करना है, मिक्स करना बहुत ज़रूरी है, मतलब कुछ भी हो जाए आप सरसों के साथ दही को बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए, नहीं तो वो बड़ा टेस्ट नहीं आएगा। अब बारी आती है नेक्स्ट प्रोसेस की, एक मेन प्रोसेस है। इसमें 5-10 मिनट फिश को मैरिनेट करके रख देना है। फिश के पीसेस को कुछ इस तरीके से ये मिक्सचर के अंदर डाल देना है और इसको बहुत अच्छे से मैरिनेट करके 5-10 मिनट्स रख दो। मैरिनेशन डन, अब 10 मिनट्स के लिए इसको साइड में रख दो। और बाय द वे इस बीच मैं नहा के भी आ चुकी हूँ। अभी जो करूँगी बनाना लीफ जो है उसको प्रिपेयर करूँगी ताकि 10 मिनट्स के अंदर ये भी प्रिपेयर हो जाए और मैं अच्छे से इसके अंदर फोल्ड करके पातुड़ी बना सकूँ, ठीक है? क्योंकि लंच टाइम ऑलरेडी हो रहा है, तो बहुत ही धीरे धीरे स्लो प्रोसेस में इसको आप बना सकते हो। मुझे नहीं पता, मैंने कभी बनाया नहीं है, लेकिन अगर आप चाहो तो बाशा फिश से भी ये ट्राई कर सकते हो, थोड़ा बहुत टेस्ट का फ़र्क आएगा। अदरवाइज़ हम तो भेटकी से ही बनाते हैं। बहुत अच्छा ये एक रेसिपी है, आप फेस्टिवल में भी बना सकते हो या फिर ये वीकेंड में भी बना सकते हो। जब तक ना इसका कलर चेंज हो जाए, आप कुछ इस तरीके से जब भी आप ऐसे कर लोगे ना तो आराम से आप ऐसे फोल्ड कर सकते हो बनाना लीफ को। अगर ये प्रोसेस कॉन्वीनियंट ना लगे तो आप कुछ इस तरीके से भी पत्ते को सेक सकते हो किसी भी कंटेनर के ऊपर, कुछ इस तरीके से। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ डालना मैं भूल गई थी, वो है सरसों का तेल। ये तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, या फिर आप जब बनाना लीफ में रखोगे उसमें भी आप ये लगा सकते हो। इसको एक बार और आप ना को मैरिनेशन के वक्त ही कर लीजिएगा ये वाला प्रोसेस।
अब कैसे फोल्ड करेंगे इसको, एक तरफ ऐसे, एक तरफ ऐसे, बाकी ऐसे। अब एक धागे की मदद से इसको कुछ इस तरीके से बाइंड कर दीजिए। ये थोड़ा सा पेशेंस के साथ आपको करना पड़ेगा ये वाला काम, कुछ ऐसे। सेम टू सेम बाकी सबको भी कुछ इस तरीके से बना लेंगे। आप मुझे कमेंट करके बताना आप में से किस किस ने कुछ इस तरीके से फिश बना के खाया है। बिल्कुल इस तरीके से सारे पातुली हमने रेडी कर लिया है, मतलब ऐसे फोल्ड करके ये सब रेडी है। अभी आप ये स्टीम में भी बना सकते हो और तवे में भी। तवे पे मैं ऐसे सरसों का तेल डाल रही हूँ और इसको कुछ इस तरीके से रखना है। अब तो ऐसे मीडियम टू लो फ्लेम में इसको बनने देना है। केले की पत्ते की एक बहुत अच्छा फ्लेवर आ रहा है, वही तो है जो हमें चाहिए। और इस रेसिपी में यही वाला फ्लेवर ना बहुत अच्छा एक अलग सा एक टेस्ट ऐड करता है। हाँ, तो इस कुकिंग में थोड़ा बहुत टाइम तो लगता ही है। अगर आप दिमाग में सोच के रखोगे कि मैं अपने चाहने वालों के, अपने लव्ड वन को ये बना के दे रही हूँ, तो थोड़ा बहुत पेशेंस की तो ज़रूरत है ही। बनाने के बाद जब आनू के पास ये मैं लेके गई तो उसकी जो खुशी थी वो देखने लायक थी। तो इसी के साथ आज का ब्लॉग मैं ही पेंट करने वाली हूँ। आपसे मिलूँगी नए ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा।